हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 46 एंड 47। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं दधाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं श्रीशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तत्त कांचनं गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विषभानु सूते देवी प्रणमामि हरि श्री। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंदराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद नवा अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक नंबर 46। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी शौनक मुनि को बता रहे हैं। तस्य निर्हरणादीनी
परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भव तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भव तस्य निर्हरणादीनि संपरीतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत् शब्दात् तस्य मन उसका तो किसका जैसे हमने पहले पढ़ा श्लोक नंबर 44 में सुत गोस्वामी ने कहा संपद्यमानमाख्याय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बुभु भुवस्ते तुष्णी वयासीव दिनात्यये संपद्यमानमाघय यानी कि भीष्म पितामह जो थे वो लीन हो गए किसने भीष्म ब्रह्मणि निष्कले वो परब्रह्म में उनकी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए लीन हो गए और सब शांति हर और शांति ही शांति बिखर गई। उसके बाद तत्र दुंदु भयो निर्दे देव मानव वाजिता उसके बाद देवताओं ने और मनुष्यों ने बाजे बजाए और खाकेत पुष्प दृष्टिया यानी कि सारे जितने भी आकाश में देवता थे उन्होंने पुष्पों की वर्षा लिखी। उसके बाद आगे कह रहे हैं उसका क्योंकि अब भीष्म देव की आत्मा निकल गई थी अब क्या बचा था खाली शरीर जो कि मृतक शरीर था उसका निर्हरणादीनी मतलब अग्नि संस्कार किया संपरितस्य उनके शव का भार्गव ये शौनक मुनि को कह रहे हैं हे भार्गव। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह के शव का अग्नि संस्कार किया युधिष्ठिर कारयित्वा यानी युधिष्ठिर के द्वारा हुआ और मुहूर्तम दुखितो भवत मतलब ये जो क्षण था वो अत्यंत ही दुखदायक था। वास्तव में भक्तों जब किसी की मृत्यु होती है तो वो मुहूर्त वो क्षण बहुत ही दुख का होता है। कोई भले कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों न हो लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय बहुत दुख होता है। और वास्तव में जैसे किसी के बड़े होते हैं गुरु होते हैं उनकी जब वो नित्य लीला में चले जाते हैं तो वास्तव में उनके लिए बहुत ही सुख का समय होता है क्योंकि वो भगवान से मिलने जा रहे हैं। लेकिन हमें तो क्यों होता है क्योंकि अब हमें उनका संग प्राप्त नहीं होगा उनकी आत्मा के लिए दुखी मतलब उनके शरीर के लिए दुखी नहीं हो रहे होते हैं कि उनका शरीर क्यों खत्म हो गया या फिर क्योंकि उनकी आत्मा जिस शरीर में थी जब तक उस शरीर में थी तब तक हमारे लिए बहुत सुख वो प्रदान करते थे हमें हमारे लिए शुभ चिंतक थे जैसे भीष्म पितामह इन पांडवों के लिए सदैव शुभ चिंतक थे हमेशा उनके लिए बहुत अच्छा सोचते थे उनका ख्याल रखते थे। तो अब चूंकि आज भीष्म पितामह इस देह को छोड़कर आगे निकल गए इसलिए उन्हें बहुत दुख हो रहा था युधिष्ठिर महाराज को कि ये इतने परम पवित्र व्यक्ति जो हमारे कुल के थे उनका कभी संग प्राप्त नहीं होगा। और मुहूर्तम दुखी तो वास्तव में जब कोई शमशान में सीता को अग्नि देता है ना वो मुहूर्त बहुत ज्यादा दुख का होता है और उस समय एक तरह से वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। जीव को यह रियलाइज होता है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा यशस्वी क्यों न हो कितना
बड़ा है ना, बहुत ज्यादा उसके पास बुद्धि हो, धन हो, यश हो, ऐश्वर्य हो, जो भी हो, लेकिन अंजाम तो उसका यही होने वाला है। अंततः मृत्यु उसका सब कुछ हरण कर लेगी। किसी जीव के अंदर एक वैराग्य उत्पन्न होता है कि अब मैं सब कुछ छोड़ कर भगवान की भक्ति करूँगा, क्योंकि साथ तो वही लेके जाना है, आज इसकी तो कल मेरी बारी तो आनी ही है। तो हृदय में एक वैराग्य दुख के साथ साथ उत्पन्न हो रहा होता है, लेकिन इसको कहा जाता है मरकज वैराग्य, शमशान वैराग्य कहा जाता है कि बस शमशान के अंदर जाते हैं तो ये वैराग्य उत्पन्न होता है, बाहर आने के बाद वो सब भूल जाता है जी और पुनः अपने वही काले धंधे शुरू कर देता है। तो यहाँ शौनक मुनि को कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि तब युधिष्ठिर महाराज ने उनके देह को, भीष्म पितामह के देह को कफन इत्यादि पहनाया, शव को जलाने के लिए गए और युधिष्ठिर महाराज ने स्वयं कारयित्वा स्वयं उनको आग लगाई, उनके जो शव था सीता को आग लगाई। क्योंकि वैसे तो ये अधिकार पुत्र का होता है, परंतु भीष्म पितामह क्योंकि ब्रह्मचारी थे, उन्होंने आजीवन विवाह ना करने का ही प्रतिज्ञा ली थी और क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके ही वंश का एक महापुरुष धर्मराज युधिष्ठिर आज उनको अग्निदाह कर रहे हैं। वास्तव में ये भीष्म पितामह का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनके कुल में पांडवों के जैसे परम पवित्र व्यक्ति उत्पन्न हुए। मरते समय भीष्म पितामह के जैसा सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। मरते समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, उनका मन, उनके नेत्र, उनकी बुद्धि, उनका शरीर, उनकी वाणी, सब कुछ कृष्ण में लीन थे। और मरने के उपरांत युधिष्ठिर जैसे पराक्रमी और धर्मात्मा व्यक्ति के द्वारा उनका अग्निदाह संस्कार हुआ और उसके उपरांत सारे स्वयं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान है और भीष्म पितामह ने भी अपने प्रवचन में बताया कि वह साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी जब तक वो संसार में होते हैं तो वो लोक क्रिया करते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज ने अग्निदाह करने के बाद भीष्म पितामह की परिक्रमा की तो उसके बाद स्वयं भगवान ने भी, क्योंकि वो कुंती उनकी बुआ थी तो उनके नाते भीष्म पितामह उनके भी बड़े पूर्वज होते हैं, तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी सीता की परिक्रमा की। और जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो सारे ऋषियों ने भी उनकी सीता की परिक्रमा की। वास्तव में ये बहुत बड़ा सौभाग्य था भीष्म पितामह का। यहाँ पर कोई एक प्रश्न कर सकता है कि क्योंकि भीष्म पितामह ने मरते समय भगवान श्री कृष्ण के गुणगान किए थे और डेफिनेटली उनकी मुक्ति हुई है, भगवान को प्राप्त किया है, तो फिर ये अंत्येष्टि क्रिया करने की क्या आवश्यकता थी? तो इसका उत्तर ये है कि भले ही वो मुक्त जीव है परंतु अंतिम क्रिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये लोक विधि है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे वंश में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो अवश्य ही उसका अंतिम संस्कार किया जाए, उसका श्राद्ध किया जाए और उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जाए, ये हमारा कर्तव्य है। बाकी वो उसको कौन सी गति मिली है वो उसको अपने कर्मों के अनुसार मिलेगी। भले वो भगवान के पास भी चले जाते हैं तो फिर उसको तो फिर बाद में श्राद्ध इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमारा अपना कर्तव्य होता है कि हम अपने पुरखों के लिए ऐसा करें। तो यहाँ सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को भार्गव कहकर कहते हैं, अनुवाद देखिए, हे भृगुवंशी शौनक, भीष्मदेव के मृत शरीर का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराजा युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे अपितु उनके
तथा उनके भाइयों एवं माता के लिए एक महान दार्शनिक तथा मित्र भी थे। वास्तव में भीष्म पितामह और विदुर जी बस ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो पांडवों के शुभ चिंतक थे। कुरु वंश में कुरु राज्य सभा में केवल ये दो व्यक्ति ही। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि युधिष्ठिर समेत पांचों पांडवों के पिता महाराज पांडव मर चुके थे, अतः भीष्म ने ही पांडवों के परम वत्सल्य पितामह और विधवा पुत्र वधु कुंती देवी के संरक्षक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख के लिए जीवित थे, लेकिन उनका स्नेह दुर्योधन आदि अपने 100 पुत्रों पर अधिक था। अंततो गत्वा पांचों पितृविहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के अधिकार से वंचित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। राजमहलों में से सामान्यता व्याप्त कपट चला और पांचों भाइयों को वनवास दे दिया गया, लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के लिए अपने अंतिम क्षण तक शुभ चिंतक पितामह मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा देखकर खुशी खुशी मरे, अन्यथा वे पांडवों के अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने की बजाय बहुत पहले ही शरीर त्याग कर चुके होते। अत्यंत सुंदर रीति से श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि क्योंकि उनके ताऊ जो कि महाराजा धृतराष्ट्र थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी थी कि अपने छोटे भाई के बच्चों को संभालते, लेकिन उनका स्नेह केवल अपने पुत्रों तक ही महसूस था। वो अपने भाई के पुत्रों तक अपने स्नेह को बांट नहीं सकते, इसलिए उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भीष्म देव ने अपने ऊपर उठाई। भीष्म देव अंतिम क्षण तक यही इच्छा करते थे कि बस इन पांडव पुत्रों के साथ न्याय हो, धर्म, क्योंकि ये धर्म पर हैं, तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। और ये इनके मतलब भीष्म पितामह की एक हृदय की इच्छा थी कि वो युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहते थे। इसीलिए इतने दिन तक, अभी क्योंकि युद्ध शुरू हुआ, 18 दिन तक युद्ध चला था और 10वें दिन भीष्म पितामह को तीर लगे थे, 10वें दिन ही वो अपने प्राण त्याग देते, त्याग सकते थे कि अब मैं इस दुख में जीवन को मजीद नहीं उतार सकता, लेकिन फिर भी वो इसी शरीर के कष्टों को सहते सहते जी रहे थे कि वो हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर को देखना चाहते थे। आगे श्री गोपाल जी कहते हैं वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव पुत्र अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान का भक्त कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता। उनको पता था कि क्योंकि पांडव धर्म पर है और जो धर्म के साथ कार्य करता है उसके साथ भगवान होते हैं, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ श्री होती है, अर्थात लक्ष्मी, अर्थात विजय। तो क्योंकि धर्म पांडवों की ओर था, इसलिए कृष्ण पांडवों की ओर थे, और क्योंकि कृष्ण पांडवों की ओर थे इसलिए भीष्म पितामह को ये विश्वास था कि पांडव पुत्र अवश्य विजयी होंगे। और भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान का भक्त कभी भी विनष्ट नहीं होता। भगवान ने ये ऐलान करा दिया श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, निश्चय पूर्वक घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्म देव की इन शुभ कामनाओं का पता था, अतः वे अवश्य ही अत्यधिक योग का अनुभव कर रहे होंगे। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो जानते थे युधिष्ठिर महाराज कि भीष्म पितामह हमसे कितना स्नेह करते हैं और हमारे सुखी जीवन को देखने के लिए इतना कष्ट बर्दाश्त कर रहे थे। तो यहाँ पर जो सुत गोस्वामी ने लिखा है मुहूर्तम दुखितो भवत, कि उनको कितना दुख हो रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज का भीष्म पितामह के इन भावों को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि एकमात्र यही तो हमारे शुभ चिंतक हैं, और आज
सदा के लिए उनका साथ हमसे छूट गया और उनके ना होने के कारण उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि अब इतने महान पुरुष जिन्होंने हमें इतना सारा ज्ञान दिया, जिन्होंने हमारे साथ इतना सारा स्नेह किया, जिन्होंने हमारे साथ इतना सारा भला किया और जिन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा, अब जब वास्तव में हम सुख के दिन आए हैं तो हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकेंगे क्योंकि अब तो वो हमें छोड़ कर चले गए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद कहते हैं अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे, वे इस महान आत्मा के विक्षोभ से शोक आकुल थे, उनके त्यक्त शरीर के लिए नहीं जो भीष्म देव ने त्यागा था। अर्थात मतलब वो उनके बिछड़ने के लिए दुखी थे, मगर ऐसा नहीं वो सोच रहे थे कि क्यों मरे वगैरह ऐसा नहीं, लेकिन इसलिए वो दुखी थे क्योंकि अब उनका सानिध्य प्राप्त नहीं होता। जैसे एक शिष्य जब आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अंत्येष्टि क्रिया आवश्यक थी, यद्यपि भीष्म देव मुक्त आत्मा थे क्योंकि भीष्म देव निसंतान थे, अतएव सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के अधिकारी थे। यह भीष्म देव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के समान रूप से महान व्यक्ति ने इस महापुरुष के अंतिम संस्कार संपन्न किए। श्री प्रभुपाद की जय हो। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं श्लोक नंबर 47। तुष्टुर्मुनयो हिष्टा कृष्णं तत्कुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रययु पुनः। तुष्टुर्मुनयो हिष्टा कृष्णं तत्कुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रययु पुनः। तुष्टुर्मुनयो हिष्टा कृष्णं तत्कुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रययु पुनः। तुष्टुर्मुनयो हिष्टा कृष्णं तत्कुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रययु पुनः। तुष्टुर्मुनयो हिष्टा कृष्णं तत्कुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रययु पुनः। तुष्टुर्मुनयो, तुष्टु मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, मुनयो मुनयो जो वहाँ पर मुनि गण थे जिसमें वेद व्यास जी थे, नारद मुनि थे और भी बहुत सारे मुनि गण थे, तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। और जब कोई भक्त प्रसन्न होता है ना, जब ये भौतिक लोग प्रसन्न होते हैं उनकी प्रसन्नता कैसे होती है, शराब की बोतल उठाते हैं, गाने गाते हैं और उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, लेकिन जब एक भक्त प्रसन्न होता है तो क्या करता है, वो बता रहे हैं खुद को। स्वामी कहते हैं तुष्ट हुए मुनयो हृष्टा, बहुत ज्यादा हर्षित हुए प्रसन्न मुद्रा में वो क्या करने लगे, कृष्ण तत्कुह्य नाम भी, कृष्ण तत् कृष्ण के गुह्य जो बहुत ज्यादा सीक्रेट वेदों में बताए हुए नाम भी, भगवान के जो मुख्य नाम है उनका संकीर्तन करने लगे। मुख्य रूप से वो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसको स्वामी बता रहे हैं कि जब कोई भक्त प्रसन्न होते हैं, जब ऋषि गण प्रसन्न होते हैं तो हृदय से प्रसन्न होकर वो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो अपनी प्रसन्नता का इजहार की आज चलो ठीक है आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं, तो आज वो रूटीन वाइज छोड़ के कुछ इंजॉय करते हैं। मतलब भक्त वो कहलाने के योग्य नहीं है जो ये सोचता है
कि भक्ति के अतिरिक्त भी कुछ एंजॉयमेंट इस संसार में है, कुछ एंटरटेनमेंट इस संसार में है। अगर वो सोचता है कि चलो ठीक है आज क्या है, वो बड़ा खुशी का दिन है, तो आज हम महामंत्र को साइड में रख के कुछ गाने चलाते हैं, उस पर डांस करते हैं या फिर कुछ और तरीके से इंजॉय करते हैं। अब इतना बड़ा खुशी का दिन है और वहाँ पर भी हम लोग वही महामंत्र जप करें, नहीं। वास्तव में भक्त की खुशी इसी में है कि जब वो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, जब वो भगवान का नाम लेता है ना, उसको खुशी का इजहार, बस उसको पता चल गया कि रियल हैप्पीनेस यही है कि हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, हम भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते हैं। तो वो क्या करने लगे, कृष्णम तद गुह्य नाम अभी तथस्ते कृष्ण हृदय, उसके बाद बहुत बहुत कीर्तन किया और भगवान, वास्तव में गुणगान में भगवान के नाम की महिमा असीम है, प्रधानता है कि जब आप भक्त प्रसन्न होते हैं तो भगवान के पवित्र नामों का गुणगान करते हैं और बहुत बहुत देर तक भगवान के पवित्र नाम का गुणगान करने के उपरांत तथस्ते कृष्ण हृदय, फिर उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान किया। वास्तव में भक्तों के हृदय में तो कृष्ण होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा क्षण होता है कि भगवान भक्तों के हृदय से निकल, लेकिन जब किसी शुद्ध वैष्णव के द्वारा भगवान की महिमा को श्रवण किया जाता है ना, तब भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा इतनी तीव्र हो जाती है, इतना हृदय से। अब देखो इतने समय से ही कीर्तन नहीं कर रहे थे, प्रसन्नता नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत समय तक भीष्म पितामह के मुख से भगवान की महिमा को श्रवण किया, भगवान के प्रति उनके प्रेम को श्रवण किया, तो जब भक्त और भगवान के प्रेम के आदान प्रदान कि किस तरह से भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और इत्यादि जितने भी भीष्म पितामह भगवान के सौंदर्य इत्यादि के वर्णन कर रहे थे, उनको सुनकर वो इतना ज्यादा प्रसन्न हो गए और हृदय में छुपी हुई भक्ति जो है वो उछल कर बाहर आने लगी और भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे और उसके उपरांत ततस्ते कृष्ण हृदय, कृष्ण को हृदय में विराजमान करके स्वाश्रमान अपने अपने आश्रम में प्रयुक्त पुनः फिर वापस से चले गए अपने अपने आश्रमों में। वास्तव में जितने भी ऋषि मुनि जो आए थे वो कोई साधारण नहीं थे, उनको जाने के लिए कोई टिकट रिजर्वेशन करने की आवश्यकता नहीं थी, वो आकाश मार्ग से उतरे थे और उतरने के लिए भी उनको किसी एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, ना ही प्लेन की आवश्यकता थी, बस सब आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि एक महान भक्त जो है वो भगवान के प्रति भगवान की कथाओं का, भगवान की महिमा का गुणगान करने वाले हैं, तो वो सब अपने अपने आश्रमों में से यहाँ पर एकत्रित हो गए थे अपने शिष्यों के साथ। और जब आज भीष्म पितामह ने देह त्याग कर दिया, उनका क्रियाकर्म भी हो गया, तब वो भगवान को अपने हृदय में बिठाकर अपने अपने आश्रमों की ओर जाने लगे, सब अदृश्य हो गए। बैठे बैठे सब ऐसा युधिष्ठिर महाराज को दिखा कि अब सारे चले गए हैं। अनुवाद देखिए, तब समस्त मुनियों ने वहाँ पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गोपनीय वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के भक्त सदा भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यह मधुर संबंध है, भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्त गण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं और भगवान भी यद्यपि उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। ये भक्ति का ये भक्ति की स्वीटनेस है, ये कृष्ण प्रेम की मधुरता है कि भक्त सदैव ये चाहता है कि मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करता है और कभी भी एक क्षण के लिए भी कृष्ण को अपने हृदय से निकलने की परमिशन नहीं देता, वो सदैव कृष्ण को अपने हृदय में रहने के लिए बाध्य करता है। और क्यों से हृदय के अंदर कृष्ण को बिठाता है, इसलिए कृष्ण का तो भाव है यही कि
ये यथा माम प्रकट जन से बजाने आप तुम जिस प्रकार से जिस भाव से मेरे शरण में आओगे मैं भी वैसे ही तुम्हें अपनाऊंगा। अब क्योंकि कृष्ण को अपने हृदय में बिठाता है भक्त, इसलिए भक्त को भी कृष्ण अपने हृदय में बिठाता है। उसे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन सदैव अपने शुद्ध भक्तों के लिए कल्याण के लिए कार्यों में लगे रहते हैं। आगे श्री गोपाल जी कहते हैं, बहुत ही खास बात बता रहे हैं श्री गोपाल जी, हमें इस बात को समझने का और इस बात पर विश्वास करने का प्रयास करना है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को सर मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। अतएव भक्तगण भगवान की सीधी रेख देख रेख में रहते हैं और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देख रेख में रखते हैं। अर्थात साधारण जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको जो भी प्राप्त हो रहा है सुख और दुख, वो उनको क्यों प्राप्त हो रहा है? उनके कर्मों के अनुसार। लेकिन भक्तों को जो भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भगवान डायरेक्ट से उनको, अब क्योंकि वो भक्त बन गए ना, तो फिर उनको विधाता के संरक्षण में भगवान नहीं लेते, अपनी देख रेख में रखते हैं। और भक्तों के साथ जो भी आदान प्रदान करना होता है, वो भगवान अपनी अपनी सुरक्षा देते हैं भक्तों को। और अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, भगवान का भाव और भक्त का भाव सेम होना चाहिए, यानी जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा मैं आपके साथ। अब भक्त क्योंकि भगवान क्योंकि भक्त जब भगवान के पास जाता है तो पूरा का पूरा भगवान को सरेंडर करता है कि तुम्हें जैसा मेरे साथ करना है वैसा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तो फिर भगवान पता क्या करता है, भगवान भक्त के साथ ऐसा ही करता है, बोलता है अब जैसा तुम्हें मेरे साथ करना है वैसा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। कि तुम्हें तुम्हारा दिल करता है तो मुझे उठाओ, तुम्हारा दिल करता है मुझे सुलाओ, तुम्हारा दिल करता है मुझे खिलाओ, तुम्हारा दिल करता है मुझे जैसे जैसे प्यार करो, जैसे जैसे मुझे वस्त्र पहनाओ, जैसे तुम्हारा दिल करता है वैसा मेरे साथ करो। तो क्योंकि भक्त ने भगवान के अपने आप को भगवान के शरण में दे दिया, तो भगवान भी अपने आप को भक्त की देख रेख में देते। ये बात श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि लेकिन भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। अतएव भगवान भक्तगण भगवान की सीधी देख रेख में होते हैं और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देख रेख में रखते हैं। वो सदैव चाहते हैं कि भक्त जैसा चाहे। अब क्योंकि भगवान कहते हैं योगक्षेम महामेह, मैं तुम्हारे जो तुम्हारे पास नहीं होगा उसकी रक्षा करूंगा, उसको प्रदान करूंगा और जो होगा उसे रक्षा करूंगा। और भक्त भी ये कहते हैं जो तुम्हारे पास नहीं होगा वो मैं तुम्हें लाके दूंगा, जो तुम्हारा पास जो कुछ है उसकी रक्षा मैं ही करूंगा। तो भक्त और भगवान का ये बहुत ही विलक्षण संबंध होता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि व्यासदेव आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, अतएव सबों ने वहाँ पर उपस्थित भगवान को प्रसन्न करने के लिए अंत्येष्टि क्रिया के बाद, यानी कि सारे भक्त जितने भी ऋषि मुनि थे उन सब ने अंत्येष्टि क्रिया में भी भाग लिया और उसके बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। सारे वैदिक मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़े जाते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में हुई है। अत्यंत सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निहिष्टो मत्सः सिन्धतिर्ज्ञानमपोहनम् च वैदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदास्तवेदविदे वचाहम् सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निहिष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में बैठा हुआ हूँ और मत्सह स्मृति ज्ञानम पोहनम, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद, जितने भी वेद हैं उसमें यदि कुछ जानने के योग्य है
तो वो अहम एव मैं ही हूँ। वेदांत के वेद देवता वेदांत को कृत यानी बनाने वाला, वेदांत को जानने वाला और वेदों के द्वारा समझा जाने वाला, वेदों के द्वारा वेदों का उद्देश्य केवल मैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि वैदिक मंत्रों से उच्चारण, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके वो भगवान को प्रसन्न कर रहे थे, क्योंकि वास्तव में वेद जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। सारे वेद, उपनिषद, वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान के लिए ही हैं। अतएव मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने अपने आश्रमों को लौट गए। यानी कि जैसा अब अवसर था, सब भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे, क्योंकि अब वैसे ही भगवान की तो बहुत बहुत उनको स्तुति पता थी, लेकिन अब क्योंकि भीष्म पितामह के द्वारा उनको नया प्रकाश मिला था और खुशी खुशी अपने अपने आश्रमों में चले गए। उसके बाद उन सबके जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया वो सब हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए थोड़ी प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी साधना और अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूँ।